आपके साथ। दिव्यांगों के लिए लगाई जाएगी लोक अदालत, अब दिव्यांगों को मिलेगा उनका हक। 2016 अधिनियम के अंतर्गत कौशल विकास एवं रोजगार हेतु प्रावधान पर हुई चर्चा, राज्य आयुक्त का पूर्णिया दौरा, प्रेस वार्ता कर दी संपूर्ण जानकारी, 5 से 8 सितंबर तक सभी पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। कार्यक्रम में फोकस है कि जो देखना है दिव्यांगों की समस्या पर, सरकार जितने स्कीम चला रहे हैं उसका अनुपालन कितना हुआ। राज्य आयुक्त के पास जो है सिविल कोर्ट के सारे पावर होते हैं, हम लोग अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए जिलाधिकारी के साथ साथ जिला पुलिस अधीक्षक और जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ हम लोग एक समीक्षा बैठक कल करेंगे, जो आपको जानकारी दिया ही हुआ है। इसके अलावा हमारा कल का है पूर्णिया विश्वविद्यालय का विजिट है, वहाँ विश्वविद्यालय के पदाधिकारी उनके साथ हम लोग बैठक करेंगे, और कल पूर्णिया जंक्शन का भी हमारा विजिट है। उसमें देखना है कि रैंप या अन्य सुविधा कितना दिव्यांगों के लिए जो सुविधा होनी चाहिए वो तो सुविधा उपलब्ध है कि नहीं। और इसके अलावा फिर 7 तारीख को है हमारा सदर अस्पताल का निरीक्षण करूँगा, उसके बाद में जितने जनप्रतिनिधियों के साथ एक अवेयरनेस कैंपेन करेंगे, वर्कशॉप करेंगे, और इसके बाद विभिन्न पदाधिकारी जैसे कि शिक्षा विभाग, प्राइवेट स्कूल के साथ बैठक है, डॉक्टर्स लोग के जितने पी एच सी के हेड हैं उनके साथ बैठक है, ICBS के साथ उनके साथ बैठक है, रेड क्रॉस वॉलेंटियर के साथ बैठक है, और 8 तारीख को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक जो है 5 बजे तक न्यायालय मतलब लोग सोचता है कि न्यायालय वहाँ होता है जहाँ मारा पीटी हो, कोई केस मुकदमा हो, लोग वहीं निपटारा के लिए जाता है, लेकिन हमारा ये न्यायालय है। इसमें देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को भी जानकारी नहीं है, एक पेज जो कि 21 प्रकार के दिव्यांग अगर ये आप निकालें उसमें ज़्यादा हो जाएगी, अब दिव्यांगों की संख्या बढ़कर 21 प्रकार की होगी। पहले दिव्यांग जो थे मात्र 7 तरह के थे, PWD Act 1995 मतलब जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के 7 से बढ़कर सीधे 21 यानी तिगुना बढ़ोतरी हुई है। आप जैसे कि पहले हम लोग देखते थे कि जैसे लोकोमोटर चलने फिरने में जिसको दिक्कत है वही दिव्यांग माने जाते थे, अब देखिए उसके अलावा मसल डिस्ट्रॉफी है, लेप्रोसी की ओर है, सर्वल पाल्सी है, डॉर्फिजी में बोनापन है, एसिड अटैक विक्टिम है, लो विजन है, ब्लाइंडनेस है, इसके बाद डेफ है, हार्ड हियरिंग है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, मंद बुद्धि को अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी है, जैसे तारे जमीन पर जो आपने फिल्म देखा था, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, मेंटल इलनेस जिसको पागल बोलते हैं वो भी अब हो गया, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ये भी अब डिसेबिलिटी में आ गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज और रक्त जनित 3 दोष है, पीलिया थैलेस। आपको मीडिया के लोगों को नहीं मालूम है, हमारे अधिकारी लोग को नहीं मालूम है, हमारे डॉक्टर साहब को नहीं मालूम है, और हमारे पायलट एसोसिएशन के अध्यक्ष इनको नहीं मालूम है, तो किनको मालूम होगा? तो आम आदमी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं उनको जानकारी, जब उनको मालूम होगा तब वो क्या करेंगे, ये जो सरकार सुविधा देती है वो उपलब्ध हो सकता। तो हम आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो 21 प्रकार की दिव्यांगता है इसको कम से कम मास लेवल पर, छोटे छोटे लेवल पर जानने चाहिए जिससे कि वो अपने लाभ ले सकें। इसके अलावा मैंने अभी देख सारे सरकार ने स्कीम चला रखी है, मैं 2 पेज में डाला हूँ लेकिन उसको भी नहीं मिल पा रही है। एक छोटी सी जो है बैटरी चलती स्कूटी का योजना है, जो 80% डिसेबिलिटी हो तो उनका मैंने डाला है। इसके बाद आप लोगों को भी अपने माध्यम से दिया है, अगर ये प्रपत्र आप निकाल सकते हैं दे सकते हैं, ये प्रपत्र में उस दिन जो दिव्यांगजन आएंगे अपना फॉर्म भर के आएंगे और हमारे पास आएंगे, कोर्ट में सुनी जाएगी और उसको आदेश जारी किया जाएगा, और एक पंपलेट है क्या क्या साथ में लेके आना है, ये सारे अटैचमेंट हम लोगों ने दिया। और तो ये पूरे 3 दिन का कार्यक्रम हम चाहते हैं कि जितने कार्यक्रम उसका कवरेज मीडिया में हो। अभी आपने भागलपुर का में कितने लोगों ने चलंत न्यायालय का न्यूज अभी तक आपने देखा है या सुना है? भागलपुर ने इतना अच्छा से कवरेज किया था, पूरे 4 दिन आधा आधा पेज सारे पेपर भर। अभी मैं सारण छपरा से अभी प्रोग्राम हुआ है, वहाँ भी काफ़ी कवरेज था। पूर्णिया के बारे में मुझे जानकारी नहीं है,
उम्मीद करते हैं कि ससाराम, हाँ ससाराम वगैरह गया में इतने सारे अब देखते होंगे टेलीविज़न वगैरह में भी रेगुलर इसका आता है। तो मुख्य उद्देश्य है कि आप एक दिन पहले हम लोग आपसे मिलने का मुख्य उद्देश्य है कि जाने एक दूसरे को, मेरा विजिटिंग कार्ड सबको मिल गया है,